भारतीय जैन संघटनेच्या वतीने आयोजित केलेली स्मार्ट गर्लच्या प्रशिक्षकांची राष्ट्रीय पातळीवरील परिषद वर्धमान प्रतिष्ठान येथे संपन्न झाली आहे. परिषदेला देशभरातून 135 स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षक आणि स्मार्ट गर्ल राज्य प्रमुख तसेच संघटनेचे मान्यवर उपस्थित होते. आजपर्यंत संस्थेच्या प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून समाजातील 50,000 अधिक मुलींचे विना मोबदला प्रशिक्षण देऊन सक्षमीकरण करण्यात आले. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांच्या समस्यांवर मात करून त्यांना मानसिक आणि भावनिक विकास करण्यासाठी भारतीय जैन संघटनेने 2008 स्मार्ट गर्ल या उपक्रमाची आखणी केली आहे. और पिछले 35 इयर्स से सोशल फील्ड में काम करते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स में काम करती है, सोशल फील्ड में काम करती है. हमने 2007 में ये जो 16 साल से 25 साल तक की जो लड़कियां होती हैं, जिनको जो अभी हम हैदराबाद की केसेस देखते हैं, दिल्ली की निर्भया की केस देखते हैं, ये जो लड़कियों में उनको एम्पावर करने का काम, उनमें कॉन्फिडेंस भरने का काम, और कोई भी हालत में वो लड़कियां किसी के बहकावे में नहीं आएगी और खुद का अच्छा लाइफ बना सकती है. इस तरह का स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम जो उनको सेल्फ एस्टीम में रख सकता है, जो उनको सेल्फ अवेयर करा सकता है, जो उनको हर चीज से बचा सकता है, इस तरह का प्रोग्राम हम लोगों ने 2007 में तैयार किया था. जैन समाज की हर लड़की के पास वो प्रोग्राम पहुंचाने के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं. पिछले 10 साल से ये कोशिश जारी है. अभी यहाँ फिलहाल आज पुणे में भारत के हमारे करीबन 150 मास्टर ट्रेनर आ चुके हैं और वो आज एक दिन भर उनका कॉन्फ्रेंस चल रहा है. और ये कन्वेंशन में हम उनको किस तरीके से उन्होंने अपने अपने राज्य में इसको लेके जाना चाहिए, इसकी हम कोशिश करते हैं. किशोर वयातल्या मुलींनी आनंदी जीवन जगण्याची क्षमता वाढवून त्यांना सक्षम करणे हा स्मार्ट गर्ल या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. जैन कम्युनिटी व जिल्हा परिषदेच्या शाळांतर्गत हा कार्यक्रम राबवण्यात येतो. समाजाच्या विकासासाठी, उभारणीसाठी एकत्र होऊन काम करणे हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून भारतीय जैन संघटना ही संस्था काम करत आहे. यावेळी परिषदेच्या वतीने सर्वोत्कृष्ट काम करणाऱ्या प्रशिक्षकांना पारितोषिक देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आले. आज की जो प्रॉब्लम्स है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हम बात करते हैं, लेकिन उस सक्षमीकरण में जो भी प्रॉब्लम्स हमारी बेटियों को आ रही हैं, उसको 20 साल पहले सोचकर उसका सल्यूशन निकाला और घर घर तक उस सल्यूशन को पहुंचाने की पूरी कोशिश की. जब हम ग्राउंड लेवल पे ये लेके जाते हैं इस प्रोग्राम को, बेटियां हमारे साथ अपने जब एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, तो जैसे ही ये 2 दिन का प्रोग्राम होता है, जैसे ही ये 2 दिन का प्रोग्राम ख़त्म होता है, हम लोग को जो फीडबैक मिलता है, तब पता चलता है कि कितना इफ़ेक्टिव ये प्रोग्राम है. हर माता पिता रोते हुए बिलखते हुए अपने बच्चों को पकड़ के जाते हैं वहाँ से, और आफ्टर द प्रोग्राम भी बच्चे हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं. हम क्या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिहेवियरल चेंज है.